अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को चेक दिए जाएंगे। कनक महिला स्वयं सहायता समूह 10-10 हज़ार के ये चेक इन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आपकी शुभकामनाएं सबको चाहिए। गौतम बुद्ध महिला स्वयं सहायता समूह, ओम साई राम महिला स्वयं सहायता समूह, इन महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। हम साथ साथ महिला स्वयं सहायता समूह और किरण महिला स्वयं सहायता समूह। इसके बाद ODOP योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है जिन लाभार्थियों को, श्री देवांश गुप्ता, एक जनपद एक उत्पाद, इस योजना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री विजय गोयल, श्रीमती ललिता शर्मा, श्रीमती नेहा कुलश्रेष्ठ और श्री हरि ओम वर्मा। इसमें देवांश गुप्ता जी को 2 करोड़ रुपए का, विजय गोयल जी को और अन्य को 50-50 लाख का, नेहा कुलश्रेष्ठ और हरि ओम वर्मा को 25-25 लाख का। और उसके बाद उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग के अंतर्गत चेक दिए जा रहे हैं। श्रीमती विमलेश, श्रीमती उषा, महावीर सिंह, श्री साहूकार और श्री सलमान। तालियां जरा बजती रहें। और इसके बाद स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत युवाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले भावना बघेल, स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं इन छात्राओं को। स्मार्टफोन पाकर चेहरे प्रसन्नता से खिल गए हैं। राजनंदिनी जादौन, साक्षी जैन, संगीता और शिल्पी पाल। जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर 269 करोड़ की 248 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में, फिरोजाबाद के विकास की इस यात्रा में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। नया फिरोजाबाद जन्म ले रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में। सुशासन, सुरक्षा और विकास है जिनकी पहचान, योगी आदित्यनाथ है उनका नाम। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत ही आदर के साथ हम अनुरोध करेंगे कि एक बार पुनः हमारा मार्गदर्शन करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत महेश्वरी जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी, राज्यसभा के माननीय सांसद और इसी माटी के लाल डॉक्टर अनिल जैन जी, महापौर श्रीमती नूतन राठौर जी, लोकप्रिय विधायक श्री मनीष असीजा जी,
लोकप्रिय विधायक श्री प्रेमपाल धनकर जी, विधान परिषद सदस्य श्री गोपाल अंजान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक श्री हरिओम यादव जी, जिलाध्यक्ष वृंदावन लाल गुप्ता जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश संखवार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभिन्न संगठनों के प्रबुद्ध जन, व्यापार संगठनों से, उद्योग जगत से, बार एसोसिएशन, शिक्षक संगठन और उपस्थित फिरोजाबाद के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, अपने परंपरागत उत्पाद के माध्यम से एक नई पहचान दिलाने वाले सुहाग नगरी फिरोजाबाद के आप सभी प्रबुद्ध जनों का और यहाँ के उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब मुझे आप सबके साथ विधानसभा चुनाव के बाद संवाद बनाने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तब अपने सहयोगियों के साथ लगभग 270 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात आप सबको देते हुए भी मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उत्तर प्रदेश आज एक नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में नई पहचान बना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की एक अपनी नई यात्रा प्रारंभ की है। जैसे भारत ने विगत 8.5 वर्ष के अंदर दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई है, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हम सब इस बात को जानते हैं, यह वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। पूरे देश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा पहराया जाना भारत के 135 करोड़ लोगों का भारत की राष्ट्रीयता पर अटूट विश्वास का प्रतीक भी बना। तो वैश्विक मंच पर आपने देखा होगा, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भाइयों बहनों, ये उपलब्धि इसलिए उपलब्ध हुई क्योंकि देश का यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे उद्यमी, हमारे व्यापारी, हमारे उद्योगपतियों ने, जनता जनार्दन ने जो परिश्रम किया, जो पुरुषार्थ किया, आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और बहुत शीघ्र दुनिया के शीर्ष 3 बड़े आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की अपनी पहचान होगी। दुनिया के G20 के देश, वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, अगले 1 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व शांति, सौहार्द और समृद्धि की रणनीति तैयार करेंगे। भारत को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में सौभाग्य मिलना हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। भाइयों बहनों, फिरोजाबाद आज अपनी एक नई पहचान बना रहा है। ये पहचान पहले सच था कि यहां के पूर्वजों ने, यहां के लोगों ने
ग्लास उद्योग के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई थी। जिन महापुरुषों ने, जिन कारीगरों ने, जिन हस्तशिल्पियों ने फिरोजाबाद को इसका केंद्र बनाया था, मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, समय के अनुरूप लोग राजनीतिक नेतृत्व तो प्राप्त करते गए, लेकिन फिरोजाबाद की इस पहचान को भी मिटाते गए। यहां का आलू किसान हो या यहां का ग्लास उद्योग में लगे हुए हस्तशिल्पी और कारीगर हो, इनको लोगों ने भुला दिया था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग फिर से अपनी एक नई पहचान बना रहा है और आज तो 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग फिरोजाबाद से कर रहा है। उसको तकनीक के साथ जोड़ने, उसको नई सुविधाओं से युक्त माहौल देने, उसे डिजाइनिंग देने और अब उसे हम पैकेजिंग के साथ भी जोड़ रहे हैं। इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपको भरपूर सहयोग करेगी, आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। हमें भी खुले दिमाग से फिरोजाबाद को दुनिया के ग्लास के सबसे अच्छे केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मुझे प्रसन्नता है, जब भी हमें किसी विदेशी अतिथि के लिए कोई ऐसी उत्पाद देनी होती है तो मैं मनीष सशीजा से कहता हूं कि भाई फिरोजाबाद की आइटम इस बार हम लोग देंगे, आप वहां से कोई एक आइटम लेके आओ। यानी वो पहचान बनती है जिले की। और भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं यही कहने के लिए, हमारी परंपरागत पहचान को डबल इंजन की सरकार जहां आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो मैं फिरोजाबाद वासियों का अभिनंदन करूंगा कि पिछली बार स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, डबल इंजन के साथ उन्होंने ट्रिपल इंजन को भी जोड़ने का काम किया था। और फिरोजाबाद में पहली बार मेयर के चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया था आपने। परिणाम सामने है, फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अनेक सौगातें मिली, स्मार्ट रोड का मिला, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट का मिला। आज हम ITMS को सेफ सिटी के साथ जोड़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, जिस दिन ये परियोजना पूरी हो जाएगी, उस दिन फिरोजाबाद के अंदर आप देखना, उत्तर प्रदेश में अपराधी पहले प्लान कर गए हैं, फिर भी अगर जहां कहीं कोई चंड मुंड निकलने का प्रयास करेगा और किसी में किसी व्यापारी को, राह चलते हुए राहगीर को, बहन बेटियों के साथ कहीं दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया और वह अपराध करने के बाद भागने का प्रयास करेगा, तो एक एक गतिविधि कैमरे में कैद होगी, अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते वह कहीं ढेर हो चुका होगा। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी के लिए और अपराध के लिए कोई जगह नहीं। और उस नई तकनीक को विकसित करने के लिए ही स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जन सुविधाओं का विकास करने के सामने एक बेहतरीन प्रयास आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, कौन सोचता था पहले कि ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरी होनी चाहिए। आज वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, जल जीवन मिशन, हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारी का समाधान। बीमारी, पेड़ जनित जितनी बीमारियां हैं या अशुद्ध जल के कारण होती हैं। अगर जल शुद्ध हो जाए तो भाइयों बहनों, दवा का खर्चा आपका आधा समाप्त हो जाए, आधा पैसा आपका वैसे ही बच जाएगा। लेकिन उस दिशा में कोई ध्यान ही नहीं देता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के हर बस्ती में, हर घर तक और शहरी क्षेत्र में भी यह सुविधा देने की कार्रवाई की है।
हम लोग फिरोजाबाद के अंदर भी हर घर नल की योजना को लागू करने जा रहे हैं। हर घर को, हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए अच्छी सड़क का, अच्छी स्ट्रीट लाइट का, शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने का, अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था का। उसको ये बुनियादी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए और उसे देने के लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपको आश्वासन देने के लिए आई है कि आपका अधिकार आपको देने के लिए सरकारें तैयार हैं। हम सब उसके लिए अपने आप को तैयार करें, हर गरीब को मकान मिल जाए। अकेले फिरोजाबाद में 28,000 से अधिक आवास शहरी क्षेत्र में गरीबों को उपलब्ध हुए हैं, 28,000 से अधिक गरीबों को। अनुमान करिए, एक एक आवास में 2.5-2.5 लाख रुपया सरकार दे रही है, 1.5 लाख केंद्र सरकार, 1 लाख प्रदेश सरकार। और भाइयों बहनों, हर गरीब को मकान मिल रहा है। अभी मंच पे हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे थे लोगों को मकान का। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई पैसा तो नहीं मांगता है? उन्होंने कहा नहीं साहब, पैसा तो हमारे खाते में सीधे आ जाता है, बीच में कोई मांगने की गुंजाइश ही नहीं बची है। आवास के लिए पैसा, स्ट्रीट वेंडर के लिए ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वालों को कोई नहीं पूछता था। आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंक से बिना भेदभाव के ब्याज फ्री लोन की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। ये पीएम स्वनिधि की योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब जहां पे बसा है, उस मकान, उस जमीन का मालिकाना अधिकार स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाए। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब को बिना भेदभाव के मिल जाए। आप मुझे बताओ, क्या इतनी योजनाएं दी गई, केंद्र और राज्य सरकार इतनी योजनाएं दे रही हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मातृवंदना योजना के अंतर्गत, कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत, सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन, किसी योजना में व्यक्ति का चेहरा देख करके नहीं, सबका साथ और सबके विश्वास की भावना के अनुरूप योजना का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। और भाइयों बहनों, जब सरकार किसी की जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा न पूछ करके भारत का नागरिक है तो भारत के संसाधनों पर उसका अधिकार है, और अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है तो सरकार उसको सहयोग करेगी। इस विश्वास के साथ सरकार आज कार्य कर रही है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ये भेदभाव क्यों हो जाता है कभी कभी? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, योजनाओं में भेदभाव नहीं है। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, कोई दंगा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई अराजकता नहीं, हर व्यक्ति सुरक्षित है, यह पक्ष सुरक्षित, वह पक्ष भी सुरक्षित, कहीं कोई समस्या नहीं। आज विकास के जिस लंबी छलांग को लेकर के उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है, अभी डॉक्टर अनिल जैन जी कह रहे थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा है। उत्तर प्रदेश आज एक्सपोर्ट हब बना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ा है। 75 जनपदों में से जब 2017 में हम लोग आए थे तब 75 जनपदों में से मात्र 12 जनपदों में सरकारी मेडिकल कॉलेज था। आज भाइयों बहनों, हम लोग 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य कर रहे हैं, और जो 16 जनपद बचे हैं उन 16 जनपदों में से 10 और जनपदों के लिए हम लोग मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था दे चुके हैं। 6 जनपद बच जाएंगे हमारे पास, अगले एक वर्ष के अंदर उन 6 जनपदों को भी हम मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं उनमें सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन रहे हैं,
विशेषज्ञ चिकित्सक लगाए जा रहे हैं, पीएचसी सीएससी में टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, और मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज की स्थापना का कार्य हो रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग ग्राम सचिवालय का निर्माण करते हुए वहां पर रोजगार सेवक के साथ साथ कंप्यूटर सहायक की तैनाती कर रहे हैं। गांव के नागरिक को गांव में सुविधा मिले, शहर के नागरिक को शहर में सुविधा मिले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को भी हम प्राप्त करें। आज इस दिशा में सरकार ने नए कदम बढ़ाए हैं और उस कदम के साथ कदम मिलाकर के चलने की जिम्मेदारी हर उत्तर प्रदेश वासी की भी होनी चाहिए। उसी आशा विश्वास के साथ आज मैं आपके पास आया हूं। ये जो 270 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज यहां पे लोकार्पित और शिलान्यास की गई हैं, ये भाइयों बहनों आप ही से जुड़ी हुई है, सड़क से जुड़ी हुई है, इंटर कॉलेजेस का है, आईटीआई का है, आईटीएमएस का है, मेडिकल कॉलेज का है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ है। हमेशा यहां के लोग कहते थे कि आलू उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग का नहीं। हम लोगों ने 800 करोड़ रुपए की लागत से मथुरा में पेप्सिको इंडिया का एक उद्योग लगा दिया है। अभी फिरोजाबाद, आगरा, मेनपुरी और आसपास के जनपदों के लिए भी ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, अलीगढ़ आदि के लिए भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। किसान को उसकी उत्पाद का उचित दाम मिले, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले से व्यवस्था कर दी है कि उसकी उत्पाद का लागत का 1.5 गुना दाम किसान को प्राप्त हो जाए। एमएसपी घोषित की गई, लगातार उसका दाम दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, पर्यटन की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। क्षेत्र ब्रज क्षेत्र में आता है, इन अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जैसे फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग ने, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने सुहाग की प्रतीक, यहां की चूड़ियों को, ग्लास के उद्योग को मूर्तियों के माध्यम से, अपनी कलाकृतियों के माध्यम से एक वैश्विक पहचान दी है। भाइयों बहनों, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं तो यहां के जनप्रतिनिधियों से, सांसद जी से, विधायक जी से सबसे कहूंगा कि यहां पर हमें डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ पैकेजिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी हमें कार्य करना होगा, क्योंकि ये चीजें इसके साथ जुड़ेंगी। आप देखना, अभी जो 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट यहां का है, पैकेजिंग और डिजाइनिंग के साथ जैसे यहां का उद्योग जुड़ेगा, आप देखना यही 5000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट यहां से होने लग जाएगा। दुनिया इसकी मांग करेगी। हम जब वैश्विक मंच पर इसकी तुलना करते हैं, हमारे फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग के सामने दुनिया का ग्लास उद्योग कहीं नहीं ठहरता है, लेकिन हमारे यहां अच्छा स्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपनी ब्रांड को आगे बढ़ाने में कोताही कर लेते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश संवर रहा है, आगे बढ़ रहा है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए हम सबको तैयार होना होगा। और मैं आह्वान करूंगा फिरोजाबाद के अपने उद्यमियों से भी, ग्लास उद्योग से जुड़े हुए कारीगरों से और हस्तशिल्पियों से भी, समाज जीवन के एक क्षेत्र में कार्य करने वाला, मैंने पहले भी कहा, एक विद्यालय कोई बनाता है, एक चिकित्सालय कोई बनाता है, वह भी हमारे लिए निवेश है। कोई उद्योग लगाता, छोटा हो, 2 लोगों को काम मिले, 10 लोगों को मिले, 100 लोगों को मिले, वह भी एक उद्योग है, वह भी एक निवेश है। उन सबको सुरक्षा देना सरकार का कार्य होगा, उचित माहौल देना, सुविधाएं देना ये सरकार का कार्य होगा। आप लोग आगे आइए, सरकार आपके साथ खड़ी होकर के आपको हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सदैव तैयार रहेगी। आज यहां पर जो 270 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिल रही हैं, हमारे सांसद जी, विधायक जी, महापौर, इन सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से ये योजनाएं आपके यहां आ रही हैं। लेकिन फिरोजाबाद को अभी एक लंबी दूरी तय करने के लिए कार्य करना है। एक नया फिरोजाबाद, डबल इंजन सरकार के साथ स्थानीय निकायों में भी बुनियादी सुविधाओं को जो सरकार देगी, उस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उस प्रकार के बोर्ड के गठन की तैयारी के साथ हम सबको कार्य करना होगा।
और इसलिए मैं प्रबुद्ध जनों से भी अनुरोध करूंगा, वे सभी इस विजन के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ 270 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के लिए मैं फिरोजाबाद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि ग्लास उद्योग से जुड़े हुए जो अभी मेरे पास कुछ प्रतिवेदन आए हैं इनका समाधान भी सरकार करेगी और साथ साथ फिरोजाबाद से जुड़ी हुई उन हर समस्या के समाधान के लिए सरकार आपके साथ खड़ी होकर के कदम से कदम मिला करके इन समस्याओं का समाधान करके फिरोजाबाद को एक नई पहचान दिलाने के लिए आपके साथ सदैव खड़ी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।